राम भाइयों, तो ये मेरे पास है वीवो P9। प्रॉब्लम आपको दिखा देता हूँ और मैं जो है कैसे रिपेयर करूँगा ये भी देखिए आप। अनेबल टू चार्ज की प्रॉब्लम आ रही है इसमें दोस्तों, ठीक है। ये ऑटोमेटिक यूज़ करते करते आगे जिनका फ़ोन है तो अभी फ़ोन खुला हुआ नहीं है, ये सिम निकाली थी मैंने इसमें से, अभी सिम ट्रे अभी निकालूंगा आपको दिखाता हूँ और कैसे रिपेयर होगी। ये देखिए अनेबल टू चार्ज, ओके। तो दोस्तों इसकी सिम ट्रे हम निकाल लेते हैं पहले, ये निकाल लिए और एक बार ऑन करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और टेक्निकल के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ मैं। कब कौन सी वीडियो किसके काम आ जाए, आपकी हेल्प हो जाए, आप दो पैसे कमा भी सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करना, मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे ना भूलें, हमें सपोर्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो आपसे रिलेटेड हो, ये देखिए, पर ये हिंदी में लैंग्वेज कर रखी है। चार्जिंग सृष्टि, कृपया हमारी विक्रय टीम को संपर्क करें, मतलब कॉन्टैक्ट कस्टमर केयर, ओके। तो अब करके देखते हैं क्या करते हैं, पहले हम जो है लोड हो रहा है इसको हम दोस्तों निकाल लेते हैं, चार्जिंग शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। इंग्लिश लैंग्वेज करके दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, या हिंदी रहने देता हूँ, हिंदी रहने देता हूँ, जो दिखाई देता हूँ। ये स्विच ऑफ हो गया है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वाटर डैमेज के कारण हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। चलो देखते हैं अभी क्या होता है, पहले आपको दिखा दूं एक बार प्रॉब्लम ये ही आ रही है दोबारा से, आप देखिए। चलो साफ कर लूं, ठीक है। चार्जर हम निकाल लेते हैं, फ़ोन को एक बार खोल लेते हैं, आराम से खुल जाएगा ये फ़ोन। वीवो वाई ट्वेंटी कह रहा हूँ मैं, Y91, Y81, Y93, Y95, Y53 की तो मैंने बना रखी है, आपको दिखा दूँगा। यहाँ से नट खोलने पड़ेंगे दोस्तों हमें, नट खोलने के बाद ही देखेंगे इसे क्या होता है। तो दोस्तों खोलते टाइम जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है खोलते टाइम कुछ प्रॉब्लम आने की संभावना भी हो जाती है, चाहे ये क्या नाम है, कभी कोई पत्ता वत्ता ना कट जाए, तो इसलिए खोलते टाइम बड़ा सावधानी बरतें। अभी मैंने खोला खाली नहीं की है, आपके सामने खोल रहे हैं, ये हमारा खुल गया है, फ़ोन खोल तो रखा है पहले से। इनके सारे नट खोल लेते हैं एक बार। तो दोस्तों बहुत बार हमारे चार्जिंग पत्ते से भी प्रॉब्लम होती है और बैटरी से भी प्रॉब्लम होती है, या फिर हमारे बैटरी पे कोई मिसिंग है, बैटरी कनेक्टर पे कोई लाइन मिसिंग है उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो रीज़न बहुत से होते हैं इसके अंदर, ये ना पत्ता भी मोड़ा पड़ा, कैसे लगाया किसी भाई ने ये।
ये देखिए दोस्तों, इसका बैटरी शायद रिमूव कनेक्टर से जो है हटी पड़ी थी क्या, शायद ऐसा भी हो सकता है, मुझे तो डाउट लग रहा है। एक बार लगा के देखते हैं, कभी कभार ऐसा होता है गिरने की वजह से या किसी कारण हमारी बैटरी थोड़ी बाहर हो जाती है, तो देखते हैं शायद इसी कारण थी या किसी और कारण थी। दोस्तों शायद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ये देखिए ठीक है, चार्ज हो रहा है, अभी आपको दिखाता भी हूँ। तो दोस्तों आपको करना क्या है मैं आपको बताऊँ, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको कनेक्टर साफ़ भी कर लेने हैं। बहुत बार ऐसा होता है ये कनेक्टर निकला पड़ा था, ठीक है, बैटरी हल्की सी ऊपर उठी पड़ी होगी या फिर झटका लगा होगा, इसके कारण प्रॉब्लम आई होगी। और जो है या तो बैटरी को साफ़ कर लेना और इसका जो है हमारा ये भी साफ़ कर लेना हटा के, जिससे कि आराम से फिट हो जाए, ठीक से साफ़ करके लगा देना दोबारा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैं एक बार देखता हूँ फ़ोन को ऑन करके कि ऑन करने के बाद हमारा फ़ोन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले ऑन करते हैं, ठीक से चार्ज हो रहा नहीं हो रहा है देख लेते हैं एक बार। फ़ोन ऑन हुआ, जो है बैटरी लो अभी इसीलिए ऑन नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। वैसे वीवो V9 में कमी चांस है, ज़्यादातर 91, 90i, 91, 90 मतलब Y सीरीज़ में है ये प्रॉब्लम ज़्यादातर, ठीक है। मैं भी सोचूं इसमें प्रॉब्लम कैसे आई, तो चेक किया, चेक करने बाद पता चला बैटरी हमारी हल्की सी रिमूव हो रखी थी, हटी पड़ी थी, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। ऑन करके देखते हैं, तो दोस्तों अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है जरूर कमेंट करके बताएं, हालांकि हो जानी चाहिए, वैसे कमी चांस होता है वाई V9 में प्रॉब्लम आई, या तो बैटरी चेंज करके देखना है ना, बैटरी अगर अगर आपकी आती है तो बैटरी चेंज करके देखना, तो शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बैटरी चेंज करने से, ठीक है। एक वीवो Y53 का जो है हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी, या तो पत्ता चेंज कर लेना या फिर बैटरी। ये देखिए हमारा चार्जिंग शो कर रहा है, चार्जिंग हमारा शो कर रहा है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करना, और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं, तो ज़रूर मैं रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।